इस वीडियो में। सऊदी अरब में एक शेख ने पाकिस्तानी मजदूर को खुश कर दिया। सऊदी अरब के शहर मक्का में ये वाकया पेश आया, जब एक शेख ने पाकिस्तानी लड़के को सख्त मेहनत और मशक्कत में पाया तो शेख से रहा ना गया और उसने पाकिस्तानी लड़के को इस काम से मना किया, जिस पर पाकिस्तानी लड़के ने हुक्म बजा लाया और शेख ने पाकिस्तानी लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाकर मुलाकात भी की। सऊदी शेख ने पाकिस्तानी लड़के को गाड़ी की ड्राइविंग की नौकरी दी, जो पाकिस्तानी ने कबूल कर ली थी और यूं पाकिस्तानी लड़के ने मजदूरी को खैराबाद कह दिया था। नुमाइंदे से बात करते हुए पाकिस्तानी लड़के का कहना था, मैं सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे नाचीज पर बड़ा रहम किया और अब बहुत खुश हूं। जहां सुबह से शाम तक मजदूरी करके महाना 2000 रियाल मिला करते थे, लेकिन अब दिन में एक ही बार साहब को दफ्तर से घर छोड़ना होता है और मैं इन साहब का भी बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझ पर तरस खाया। पाकिस्तानी लड़के का मजीद कहना था कि मैंने अपने घर सब कुछ बता दिया और सब बहुत खुश हैं। मैं शादीशुदा हूँ, कराची का रिहायशी था लेकिन हालात ने परदेसी कर दिया और अब सऊदीया में मुकीम हूँ। पहले 1000 रियाल घर भेजता था लेकिन अब 3000 रियाल घर भेजता हूँ और बाकी 2000 रियाल खुद रखता हूँ। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मैं क्या से क्या हो गया हूँ। नुमाइंदे से बात करते हुए सऊदी शेख का कहना था कि जब मैंने इस मजदूर को भारी भरकम ईंटें उठाता देखा तो मुझसे रहा ना गया और मैं इस नौजवान के करीब गया और इसे ड्राइविंग की ऑफर की, जो इसने कबूल कर ली। मुझे नहीं मालूम था ये पाकिस्तानी है या किसी दूसरे मुल्क का बाशिंदा है, लेकिन जो भी था आखिर एक मजलूम परदेसी जरूर था। सऊदी शेख ने इसराइल स्टेट के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया, जो मजदूरों से सख्त मेहनत मशक्कत का काम लेते हैं और मुआवजा भी मुख्तसर देते हैं। जदीद दौर में तो मशीनें सारा काम करती हैं, लेकिन इस कंपनी का इंसानों से काम लेना समझ से बाहर है। इस बिना पर शेख ने इसराइल स्टेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।